रोजाना हम आपको एक टिप ऐसा देते हैं जो आपके घर को संवार सकता है। मैं हूं आचार्य पी खुराना और आज फिर नमस्कार। बड़ी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखते हैं, लेकिन तो भी उनके घर में वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती। कारण जानिए। देखिए, मैं हर व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आप लाफिंग बुद्धा घर में लाते हो या रखते हो, दिन में कितनी बार हंसते हो? अगर लाफिंग बुद्धा रखकर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, अरे फिर तो लाफिंग बुद्धा को घर में रखने का एक स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। जब आप पत्नी के ऊपर तनाव करते हो, जब आप बच्चे के ऊपर तनाव करते हो, या आप बच्चे हो पिता पे तनाव करते हो, उस वक्त लाफिंग बुद्धा के सामने खड़े होके एक बार मुस्कुराइए और फिर हमें याद कीजिए। लेकिन लाफिंग बुद्धा आपने कभी भी बेडरूम में नहीं रखना। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं अपने घर के, तो लाफिंग बुद्धा प्रवेश करते वक्त लेफ्ट में या राइट में ऐसे या ऐसे देखो, तब नजर आना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उसको देखकर मुस्कुराना जरूर है। लाफिंग बुद्धा एक ही संकेत देता है वास्तु शास्त्र के अनुसार कि आपका हंसना बड़ा जरूरी है। गॉड ब्लेस यू।